Good morning to all of you. So in today's class, we will read our chapter number 6 of Moral Value, and the chapter name is Respect Your Parents. So this is a story in which there was a son whose parents were blind. उसके parents blind थे, उन्हें नजर नहीं आता था, but they were very old also. वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, but blind भी थे. And but they his parents really really loved him. वो अपने उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे. एंड सेम वो ना जो बॉय था वो भी अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करता था. तो इन दिस स्टोरी वी विल लर्न अबाउट हाउ शुड वी रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड हाउ शुड वी टेक केयर अवर पेरेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. चिल्ड्रन, डू यू एवर थिंक हाउ मच ट्रबल योर पेरेंट्स टेक टू ब्रिंग यू अप? आप हम कभी नहीं सोचते कि हमारे पेरेंट्स कितना परेशानी से गुजरते हैं जब भी वो हमारे लिए जितना कुछ भी हमें देते हैं उन सब में. पेरेंट्स ट्राई देयर बेस्ट टू मेक देयर चिल्ड्रन हैप्पी. दे प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन विद व्हाटएवर दे नीड टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. पेरेंट्स अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं ताकि उनके ना बच्चे हमेशा हैप्पी रहें और वो उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर पाएं. सो इट्स योर अवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट, ओबे एंड टेक केयर ऑफ अवर पेरेंट्स. तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी होती है कि हम रिस्पेक्ट करें, ओबे मतलब उनकी हर बात को बात मानी और उनका ध्यान रखें. Now let's start the chapter. Here is a story of a boy, Shravan Kumar, for you. Its story is Shravan Kumar. Shravan Kumar was an obedient son of his parents. But obedient son tha, hamesha apni sari baat parents hi manta tha. He had very old and blind parents. So his parents were both old the and blind the. They worked very hard to earn their living and bring up Shravan Kumar. Wo bahut mehnat karte the taki wo apna sara एक्सपेंस अपना खर्चा उठा पाए और श्रवण को बहुत अच्छी लाइफ दे पाए. वन डे दे कॉल्ड श्रवण एंड टोल्ड हिम. एक दिन उन्होंने श्रवण को बुलाया और बोला, माय डियर सन, वी आर वेरी ओल्ड एंड वी डाई एनी डे. वी वांट टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज. हम बहुत ना बूढ़े हैं और हम शायद बहुत जल्दी मर भी जाएं, बट हम एक धर्म यात्रा पे जाना चाहते हैं. इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम टू गो अलोन बिकॉज दे वर ओल्ड एंड ब्लाइंड. उनके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था कि वो अपने आप अकेले जा सके. श्रवण लव्ड हिज पेरेंट्स वेरी मच. श्रवण अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत पसंद बहुत चाहता था. ही वांटेड टू फुलफिल देयर विश. वो चाहता था उनकी सारी विशेस पूरी हो. ही अरेंज्ड अ बहनगी एंड कैरीड हिज पेरेंट्स ऑन हिज शोल्डर टू वेरियस प्लेसेस. उसने एक स्टिक अरेंज करी जैसे यहाँ पे शो हो रही है, एंड देन उस स्टिक पे उसने अपने पेरेंट्स को बिठाया और वो जैसे डिफरेंट उन्हें डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाता रहा. वन मॉर्निंग During the journey, his parents felt thirsty and said to Shravan, "We feel thirsty. Bring some water, please, for us." So, एक सुबह उन्होंने बोला, हमें बहुत प्यास लगी है, please हमारे लिए थोड़ा पानी ले आओ. Shravan went to the nearby river called the Sarayu to get water. वो nearby river के पास जाता है ताकि वो थोड़ा सा पानी ले पाए. At that time, Dashrath, the king of Ayodhya, was in jungle to hunt animals. उसे time जो दशरथ के राजा थे, अयोध्या के जो राजा थे दशरथ, वो भी वहीं से ना एनिमल्स को जानवर को शिकार के लिए. एज श्रवण ना कुमार डिप्ड हिज पॉट इन द रिवर द डिपिंग साउंड ऑफ द पॉट वाज हर्ड बाय किंग दशरथ हु थॉट दैट सम एनिमल वाज ड्रिंकिंग वाटर. जैसे श्रवण कुमार ने अपना पॉट पानी में डाला तो ये आवाज दशरथ के पास पहुंची. उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पे कोई एनिमल है जो पानी पीने आया है. उन्होंने तीर लिया और चला दिया और वो तीर सीधा दशरथ के छाती पे आया और दशरथ श्रवण के छाती पे आया और उसे बहुत ज्यादा चोट आई. तीन दशरथ फटाफट से वहां पे आए क्योंकि उन्होंने श्रवण की आवाज सुनी. ही सो श्रवण स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ. उन्होंने देखा कि श्रवण अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है. श्रवण टोल्ड हिम, माई पेरेंट्स आर थर्स्टी, दे आर वेटिंग फॉर वाटर, प्लीज गिव देम सम वाटर. मेरे पेरेंट्स बहुत प्यासे हैं, वो पानी का वेट कर रहे हैं, प्लीज उन्हें पानी दे दीजिए. देन श्रवण कुमार डाइड. और यही कहते हैं श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई. इवन व्हाइल ब्रीथिंग हिज लास्ट ही थॉट अबाउट हिज पेरेंट्स नीड. श्रवण कुमार सर्व्स एज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ एन आइडियल सन. जब उसे बहुत लास्ट का टाइम था श्रवण कुमार का, तब भी वो सिर्फ ये सोच रहा था कि वो अपने पेरेंट्स की सारी नीड कैसे पूरी कर सके. तो ये हमारे सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमें कैसे अपने पेरेंट्स की टेक केयर करनी चाहिए. देयर आर सम वर्ड्स, ओबीडियंट. ओबीडियंट का मतलब होता है विलिंग टू डू व्हाट यू आर टोल्ड टू डू.
जो आपसे कहा जाता है उसे करना मीन्स ओबीडियंट. पिलग्रिमेज अ रिलीजियस जर्नी, एक धर्म यात्रा. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर. सो सबसे पहले हमारे पास फिलिप्स. फर्स्ट इज अवर पेरेंट्स प्रोवाइड अस विद व्हाटएवर वी नीड. सो नीड इज द आंसर. श्रवण कुमार डैश हिज पेरेंट्स वेरी मच लव. थर्ड, श्रवण कुमार पुट हिज पेरेंट्स ऑन अ पिलग्रिमेज, धर्म यात्रा पे उन्हें ले जाता है. किंग दशरथ वॉज इन जंगल टू हंट एनिमल्स. द एरो स्ट्रक श्रवण राइट ऑन हिज चेस्ट. नाउ मैचअप्स. श्रवण कुमार वॉज एन ओबीडियंट सन. ओबीडियंट सन इज द राइट आंसर. श्रवण कुमार्स पेरेंट्स वर्क हार्ड टू ब्रिंग अप श्रवण कुमार. उसके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की थी ताकि वो श्रवण कुमार को एक अच्छी लाइफ दे सके. द पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वॉन्टेड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज. यू शुड ट्राई टू मेक योर पेरेंट्स हैप्पी. अवर मॉरल ड्यूटी इज टू ऑबे, रिस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ अवर पेरेंट्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाट इज योर मॉरल ड्यूटी टुवर्ड्स योर पेरेंट्स. Our moral duty is to obey, respect and take care of our parents. How can you help your mother? We can help our mother in the kitchen work. How can you help your father? We can help our father by spending time with him and helping him in some work. How can you help your grandparents? We can help our grandparents by taking care of their health. What was the wish of Shravan Kumar's parents? The wish of Shravan Kumar's parents was to go on a pilgrimage. What? How did Shravan Kumar help his parents to go on a pilgrimage? To help his parents to go on a pilgrimage, Shravan Kumar arranged a stick and carried his parents on his shoulder to various places. How? Why was King Dashrath there in the jungle? King Dashrath was there in jungle to hunt animals. So that was our chapter number 5. Do the word properly with proper cursive handwriting.